हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान टेंपल पर। आज का जो मेरा वीडियो है वो फ्लेमिंगो बुक से लेसन नंबर 3 डीप वाटर पर है। आज मैं उसकी आपको समरी जो है वो शॉर्ट में समझाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। पूरी समरी जो है वो अच्छे से आपको इसमें पूरा लेसन जो है पूरा अच्छे से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। ठीक है, ये इसके नरेटर राइटर हैं। ठीक है, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो कैरेक्टर रहेगा इस लेसन के अंदर वही इसका नरेटर भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ही इज अ चाइल्ड हु गॉट अफ्रेड ऑफ वाटर ड्यू टू टू फ्राइटनिंग इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड। के बचपन में उनके साथ में दो ऐसी घटनाएं घटी जिनसे उनको जो है पानी का डर एक उनके दिल में बैठ गया था। बट लेटर ऑन ओवरकम हिज फियर विद शेयर डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। लेकिन बाद में क्या हुआ, अपनी इच्छा शक्ति और एक प्योर डिटर्मिनेशन के साथ में उन्होंने उससे उस डर से डर पे जो है काबू पाया। ठीक है, और उस पर विजय पाकर उन्होंने दिखाई। स्टार्ट करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। एवर्जन टू वाटर, पानी से नफरत हो जाना। ठीक है, द नरेटर डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर एट द एज ऑफ 3 or 4। कि जो नरेटर है उसको 3 या 4 साल की उम्र में ही पानी से जो है उसको नफरत हो गई थी। When his father took him to the beach in California, कि जब उसके फादर जो है उसे कैलिफोर्निया में एक बीच पर लेकर गए थे, the waves knocked him down and swept over him, कि एक लहर आई जिसने उसको नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से वो पूरी निकल गई। He was buried under water and was breathless, कि वो पानी के अंदर ही दफन हो गया था। और breathless means कि उसको सांस ना आना और उसकी सांसें जो थी वो लगभग चली गई। आगे देखते हैं स्टोरी में, द मिस एडवेंचर्स। अब जो दुर्घटना उसके साथ में घटती है, अ मिस एडवेंचर हैपन व्हेन विलियम डगलस वाज 10 or 11 इयर्स ओल्ड। कि एक दुर्घटना जो है वो उसके साथ में घटती है जब वो 10 या 11 साल का होता है। ही हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, उसने क्या डिसाइड कर लिया था कि वो स्विमिंग सीखेगा। एंड गो टू YMCA पूल, और वो उसके लिए कहां पर जाता है, YMCA पूल पर जाता है। He was alone at the pool, और उस दिन वो उस पूल पर अकेला होता है। Just then a big boy of 18, तभी वहां पर एक 18 साल का लड़का आता है, picked him up and throw him into the deep end of the pool, और उसको उठाकर पूल की जो गहराई वाली साइड होती है उस पर उसको उठाकर फेंक देता है। He felt drowsy and went at once to the bottom. कि वो अपने आप को डूबता हुआ महसूस करता है डगलस, और तुरंत ही जो है वो बॉटम तक पहुंच जाता है। On the way down, और जब नीचे वो जा रहा था, he planned to make a big jump and come to the surface. ठीक है, and would save himself. जब वो नीचे जा रहा होता है तो वो क्या प्लान करता है कि वो एक बड़ी सी जंप लगाएगा, सरफेस पे आ जाएगा और अपने आप को बचा लेगा। बट दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। लेकिन वो 9 feet का जो पुल था, स्विमिंग पुल जो था, वो उसको कैसा लग रहा था, मानो 90 feet। ठीक है, इतना गहरा जो है वो उसको अब महसूस हो रहा था। ही ग्रू पैनिक, और वो अब घबराने लगा था। ही वॉज ग्रिप्ड विद टेरर, ऐसा लगता था जैसे डर ने उसको बिल्कुल अपने जकड़ कर रखा हो। He was suffocating, अब उसे सांस लेने में भी उसका दम जो था वो घुट रहा था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। He opened his eyes and saw nothing but water, और वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे सिवाय पानी के कुछ भी और दिखाई नहीं देता। His hands and legs were paralyzed and rigid, अब उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ पैर जो है वो बिल्कुल ही पैरालाइज्ड हो गए हो, अपंग हो गए हो, और रिजिड यानी के सख्त हो गए थे। His lungs ached, अब उसके लंग्स जो थे वो दुखने लगे थे, and had throb, और सर जो था वो भी दर्द से पटने को हो गया।
ही वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली, और वो नीचे की तरफ डाउन जाता गया जाता गया। एट लास्ट, और अंत में ही फेल द टाइल्स अंडर हिम, कि उसे क्या महसूस हुई, उसको अपने नीचे टाइल्स जो है वो महसूस हुई। ऑल हिज एफर्ट सेज, और वहां पर उसके जो सारे प्रयत्न थे, जो भी वो कोशिश कर रहा था, वो सब बिल्कुल सीज्ड हो गए, यानी कि जब्त हो गए एक तरीके से, बंद हो गए। ही क्रॉस्ड इनटू ऑब्लिवियन एंड फेल्ट अनकॉन्शियस, अब उसने जो है अपनी सारी परिस्थितियों को पार कर लिया था और बेहोश होकर गिर गया था। द नेक्स्ट थिंग ही रिमेंबर्ड वॉज लेइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, और अगली बात जो उसको याद थी वो क्या थी, कि उसने अपने आप को पूल के साइड में पेट के बल लेटे हुए पाया और वॉमिटिंग करते हुए पाता है। आगे देखते हैं स्टोरी में। द टेरर डिस्ट्रॉयड डगलस सोशल लाइफ, के उस डर की वजह से डगलस की पूरी सोशल लाइफ जो थी, पूरा जीवन जो था वो लगभग तबाह सा हो गया था। ठीक है, He never went back to the pool. और उस घटना के बाद डगलस वापस पुल पर कभी भी नहीं गया। The fear paralyzed him. उस डर ने उसको बिल्कुल अपाहिज बना दिया था। This handicap stayed with him as years rolled by. और ये अपंगता जो थी सालों तक उसके साथ में बनी रही। It ruined his fishing trip. इसने उसकी फिशिंग ट्रिप को भी बर्बाद कर दिया। Deprived him of the joy of canoeing, boating and swimming. और swimming के, boating के, canoeing के, इन सब के जो मजे होते हैं, उन सब से डगलस को अब वंचित रहना पड़ रहा था। आगे देखते हैं। The instructor made him a perfect swimmer. अब इतना सब कुछ होने के बाद में डगलस ने जो है ये फैसला लेता है कि अब मैं कुछ कर मतलब कि कुछ करने का मतलब है कि स्विमिंग की वजह से, जिसकी वजह से उसको इतनी सारी चीजों का फेस करना पड़ रहा था, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए अब वो जो है एक इंस्ट्रक्टर के पास में जाता है। ठीक है, देखते हैं। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, अब वो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर के पास में जाना है एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग सीखने का निश्चय जो है वो कर लेता है। द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस प्रैक्टिस 5 days a week. अब इंस्ट्रक्टर जो है डगलस से 1 week में 5 days प्रैक्टिस करवाता है, an hour daily. डेली 1 घंटा वो प्रैक्टिस करते हैं। He put a belt around Douglas. उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने डगलस के पूरे एक बेल्ट जो थी वो बांध दी थी। A rope was attached to the belt, went through a pulley. और उसके साथ में एक रस्सी जो थी वो अटैच कर दी थी जो पुली पर से जा रही थी, दैट रैन ऑन एंड ओवर हेड केबल। ठीक है, जो उसके सर पे से केबल बांधी हुई थी उससे उसको अटैच किया हुआ था। ही वाज मेड टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और फिर उसको पुल के एक साइड से दूसरी साइड तक उसको स्विम जो है वो करवाया। ईच टाइम हिज ऑल्ड फियर रिटर्न, और जब भी वो ऐसा करता हर बार जो उसका डर था पानी से वो वापस आ जाता। देन ही प्रैक्टिस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फॉर सेवरियल वीक्स, फिर इंस्ट्रक्टर ने उसको कैसे हम लोग अंदर पानी के जब अंदर होते हैं तो सांस को रोक के रखते हैं जिसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब पानी से फेस हमारा बाहर हो जाता है तो हम सांस लेते हैं जिसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, वो प्रैक्टिस करवाई काफी वीक तक। नेक्स्ट ही टॉट हिम टू मूव हिज लेग्स, और फिर इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया कि कैसे हम लोग अपने पैरों को जो है चलाते हैं स्विमिंग करने के लिए। दस पीस बाय पीस, बिट बाय बिट, ही बिल्ट डगलस अ परफेक्ट स्विमर, और इस तरीके से हर एक टुकड़े को जोड़ जोड़ कर इंस्ट्रक्टर ने जो है डगलस को एक परफेक्ट स्विमर बना दिया था। आगे देखते हैं। डगलस फील्स रिलीज फ्रॉम फियर, कि अब डगलस ने जो है अपने डर पे छुटकारा, डर से छुटकारा जो है वो कैसे पाया। डगलस वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, कि इतना होने के बाद में भी डगलस जो था वो संतुष्ट नहीं था। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि जैसे उसे पहला अवसर मिला, ही वेंट टू द वार्म लैक, कि वो कहां पर गया, वार्म लैक। ही स्वैम टू द अदर शोर एंड बैक, और
वो दूसरे किनारे तक तैर कर गया और फिर वहां से वापस आया। ही वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, और फिर वो खुशी से एकदम उत्साहित हो गया। एज ही हैड कंक्यूड हिज फियर ऑफ वाटर, क्योंकि उसने अब जो है अपने पानी का जो उसको डर था उस पर विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर हिम, और इस सारे अनुभव का डगलस के लिए एक बहुत ही गहरा मतलब था। ही रियलाइज्ड दैट इन दैट देयर इज पीस, ठीक है, एंड देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, क्योंकि उसने ये रियलाइज किया कि डेथ में, मृत्यु में जो है वो क्या है, पीस है, शांति है। आदमी मर जाता है तो उसके बाद उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, के भय जो है वो सिर्फ किससे होता है, मरने के डर से, क्योंकि डगलस ने जो है दोनों ही चीजों का अनुभव जो है वो किया था। नियरली डेथ के बिल्कुल वो बिल्कुल पास पहुंच गया था, और उससे पहले को जो पहले का जो सब कुछ हो रहा था उसको भी उसने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है। इसलिए उसको इन दोनों चीजों को रियलाइज करते हुए ये बताया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारा जो थ्योरी है वो पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।